हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में एमए फाइनल के क्लाइमेटोलॉजी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसमें साइक्लोन यानी चक्रवात के भाग टू की बात करेंगे। वीडियो नंबर वन में हमने चक्रवात और उसके प्रकारों के अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात की हमने। भाग टू के अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे यानी ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उसके संदर्भ में बात करेंगे। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को डियर स्टूडेंट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। वर्षा पर इनका प्रभाव पड़ता है तथा इसमें समरूपता नहीं पाई जाती है। विशेषताओं में डियर स्टूडेंट हम देखें इसके मुख्य रूप से तो इसका विस्तार है वो 80 से 300 किलोमीटर तक और कहीं 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 ये 50 किलोमीटर तक भी देखा गया है। गति की बात करें डियर स्टूडेंट तो क्षीण गति 32 किलोमीटर, जबकि हरिकेन को यदि हम देखें डियर स्टूडेंट तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसके क्षेत्र की यदि बात करें हम तो मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट ये है सागरों के ऊपर स्थल भाग पर ये क्षीण हो जाते हैं यानी सागरों के ऊपर मुख्य रूप से प्रभावशाली होते हैं और जैसे जैसे ये स्थल के ऊपर पहुंचते हैं तो ये विलीन हो जाते हैं। वायुदाब की इसके अंतर्गत बात करें डियर स्टूडेंट, केंद्र में वायुदाब कम, समदाब रेखाएँ वक्राकार लेकिन इनकी संख्या कम होती है। तापक्रम व वर्षा की बात करें तो तापक्रम समान व वर्षा प्रत्येक भाग में लेकिन कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसमें कोशिकाएं नहीं होती हैं डियर स्टूडेंट। इसके भ्रमण पथ की बात करें तो व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। समय की यदि बात करें तो इनका उत्पत्ति समय खासकर ग्रीष्म काल में इनकी संख्या कम व कम क्षेत्र पर प्रभावी होते हैं। इनका प्रभाव विनाशकारी होता है, भयंकर होता है, बाढ़ें आती हैं। 1970 के यदि बांग्लादेश के टाइफून से का एग्जांपल देखें तो लाखों लोग काल के ग्रास में समाहित हो गए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की डियर स्टूडेंट बात करें तो इनको इनकी सामान्य रूप से इनकी तीव्रता के आधार पर इनको हम मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्षीण चक्रवात है वो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय अवदाब के रूप में है और प्रचंड चक्रवातों के अंतर्गत देखते हैं डियर स्टूडेंट तो हरिकेन या टाइफून है और टेरनेडो है। उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ की हम बात करें तो इसमें एक या दो घिरी समदाब रेखाएं अनुपस्थित भी होती हैं। हवाएं क्षीण गति से केंद्र की तरफ बढ़ती हैं व चक्रवात की गति मंद होती है लेकिन सर्वाधिक विस्तार होता है। कहीं कहीं हल्की बारिश भी विक्षोभ के अंतर्गत होती है। उष्ण कटिबंधीय अवदाब की बात करें तो एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरे छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब के नाम से जाना जाता है। इनकी दिशा अनियमित व पवन गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनका विस्तार ITC के साथ होता है न कि व्यापारिक पवनों के साथ। इनका मुख्य क्षेत्र भारत व उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है अवदाब के डियर स्टूडेंट। तीसरा हम हरिकेन या टाइफून की बात करें तो कई समदाब रेखाओं से घिरे विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है या चीन में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसकी गति 120 किलोमीटर पर हावर होती है। हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ तेज़ी से आती हैं। प्रचंड गति व विनाशकारी स्वभाव, मूसलाधार वर्षा सर्वत्र समान, इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम होती है और व्यास 160 से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। केंद्र का अवदाब 900 से 950 MB तक होता है। हरिकेन के केंद्र में एक ऐसा क्षेत्र होता है
जहाँ पर हवाएं शांत होती हैं, 6 से लेकर के 48 किलोमीटर का भाग है ये, वर्षा नहीं होती है, इसे हरिकेन का डियर स्टूडेंट चक्षु कहा जाता है। इसे सागर में 3 से 6 मीटर तक तरंगे उठती हैं जो तटीय भागों पर जनधन की भयंकर हानि करती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से देखेगा कि उत्पत्ति के संबंध में सभी एकमत नहीं है। वाताग्रह सिद्धांत के अनुसार सभी चक्रवातों की उत्पत्ति वाताग्रह से होती है। भूमध्य रेखीय भागों में दो तापमान वाली वायु राशियों के अभाव में स्थलीय व सागरीय वायु के मिलन से ये बनते हैं, लेकिन यह मत मान्य नहीं है। इसके उत्पन्न होने की निम्न दशाएं होती हैं डियर स्टूडेंट। एक है कि ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं जब तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विकास केवल गर्म सागरों पर इनका होता है। उत्पत्ति गर्मियों में अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के साथ, जबकि यह खिसक कर 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण ये उत्पन्न नहीं होते हैं। ऊपर जाने पर ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण व्यवस्थित चक्रीय हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में मौसम की डियर स्टूडेंट बात करें तो आगमन से पहले वायु का मंद पड़ना, तापमान का बढ़ना, वायु दाब का कम होना, आकाश का बादलों का छाना, लहरों का उठना, हरिकेन के निकट आ जाने पर हवा का तूफानी रूप धारण करना, काले कपासी वर्षा मेघों का छा जाना, मूसलाधार वर्षा होना, अंधकार का छा जाना, चक्षु के आगमन पर डियर स्टूडेंट हवा का शांत होना, वर्षा का रुकना, मेघ रहित आकाश, यह स्थिति आधा घंटे तक रहती है डियर स्टूडेंट। और चक्रवात का पृष्ठ भाग आने पर पुनः वर्षा होने लगती है। चक्रवात के आगे बढ़ने पर वायु दाब बढ़ने लगता है और वर्षा क्षीण होकर आकाश स्वच्छ हो जाता है। तो ये इसके मौसम संबंधित डियर स्टूडेंट विशेषताएं थी। तो ये मुख्य रूप से हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में बात की। तो ये चक्रवात मुख्य रूप से सागरी भागों पर उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों पर ये क्षीण होते हैं, और इनके स्वभाव के अनुसार ये बड़े ही प्रचंड होते हैं, वेगवान होते हैं और काफ़ी ये वर्षा करते हैं और विनाशकारी भी साबित डियर स्टूडेंट होते हैं। थैंक यू।